आपने ऑल ओवर द ग्लोब खेला, क्रिकेट खेली, टेप बॉल तो आपने इंतहा की खेली, सबसे मुश्किल बॉलर कौन सा लगा? जी देखिए, शुरू में तो सारे बॉलर मुश्किल लगते थे, आहिस्ता आहिस्ता पकड़ के साथ साथ जैसे क्रिकेट खेली है फिर कॉन्फिडेंस आता रहा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ बॉलर अच्छे हैं, उस्ताद हैं, बड़े मुश्किल बॉलर हैं, इलाम शाह, कादर, सारे मुश्किल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब किसी बॉलर का प्रेशर नहीं है। अभी तक तैमूर मिर्ज़ा ने ऑल ओवर द ग्लोब क्रिकेट खेली, सबसे मुश्किल बॉलर कौन सा लगा? मुश्किल बॉलर देखें सिचुएशन के हिसाब से होते हैं, लेकिन माशाल्लाह जब सबसे जो टफ बॉलर है वो उस्ताद ज़हीरी है, वो बैट्समैन को लीड करता है और लाइन लाइफ में बॉल करता है। वो 42-43 साल से ज़्यादा इनकी उम्र है। पहली गेंद, बहुत ही तेज़ गेंद। अभी तक सबसे तेज़ बॉलर कौन सा लगा? बॉलर तकरीबन माशाल्लाह सारे बहुत अच्छे हैं, अपने अपने दौर में सभी, ज़हीर भाई माशाल्लाह काफ़ी तेज़ है, अभी टाइम के साथ साथ फिर जायद उमरी इसी तरह जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है अभी देख लें, अभी भी माशाल्लाह काफ़ी तेज़ बॉलर हैं। अभी इन तीनों की बात करें तो सब में से मुश्किल कौन सा है, किसको खेलना मुश्किल है? मुश्किल तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत यानी कि तंग करते हैं वो ज़हीर भाई हैं, हर बॉल उनकी अलग होती है तो उनके बारे में सोचना पड़ता है। अभी तक सबसे टफ बॉलर फास्ट बॉलर कौन सा है? मैं समझता हूँ कि सबसे जो टफ बॉलर है वो ज़हीर भाई हैं, लाहौर के, उनसे बड़ा बॉलर कोई नहीं है, और मैं कहता हूँ वो लेजेंड बॉलर हैं पाकिस्तान के, उनसे ना बड़ा कोई बॉलर आएगा ना उनसे बड़ा कोई बॉलर है। कोई ज़हीर भाई से कभी आमना सामना हुआ, कोई छक्के छक्के कराए? जी जरूर जरूर, काफ़ी दफ़ा हर कभी आमने सामने होता रहता है, कभी वो छक्के भी मारते हैं, कभी आउट भी होगा। अच्छा, छक्के छक्के मारे, मतलब कितने मारे हैं मैक्सिमम? मैंने ज़हीर भाई को 4-5 छक्के मारे हैं। अभी तक आपने बहुत सारे बॉलर्स को खेला, पाकिस्तान के सबसे बड़े टेबल के टूर्नामेंट खेले, कौन सा बॉलर सबसे तेज लाए? तेज़ की बात नहीं होती, तेज़ इतना मैटर नहीं करता, अच्छे वेरिएशन, अच्छे समझदार बंदा जो एक्स्ट्रा कम करता हो वैसा बॉलर, जैसे उसका ज़हीर है माशाल्लाह, इस तरह जैसे बॉलर जो होते हैं वो ज़रा थोड़ा तंग करते हैं। ज़हीर, कालिया, ज़हीर कालिया भाई, कर्नल जाहिद, उमरी पेसर, इन तीनों में से कौन सा बॉलर जो आपको लगता है सबसे टॉप है? नो डाउट वहाँ ज़हीर भाई। अभी तक आपने जो सबसे तेज़ बॉलर खेला वो कौन सा है? तेज़ बॉलर में लाहौर के ही हैं जिधर ये टूर्नामेंट हो रहा है, उमरी पेसर भी है, कर्नल जाहिद भी है, माशाल्लाह ये तेज़ बॉलर हैं। ऐसे भी होता रहा अक्सर टेप बॉल में, कभी क्योंकि बॉलर्स की पेस बहुत ज़्यादा थे, कभी बॉल लग जाता है, कभी कोई ऐसा सीन हुआ? हाँ, करना ज़्यादा का मुझे बॉल लगा हुआ है, मुझे आइटेंस मैच खेल रहे थे, टफ विकेट था वो, विकेट उधर मुझे बॉल लगा था करना ज़्यादा का। अभी तक सबसे तेज़ बॉलर कौन सा खेला? सबसे तेज़ बॉलर पाकिस्तान में माशाल्लाह उमरी है, जाहिद है, करना जाहिद था, और सही तो यही तेज़ है, मेन बॉलर तो यही है। तो कभी किसी के साथ चैलेंज हुआ हो, किसी को छक्के छक्के मारे हो, 2-3-4? मैंने चैलेंज तो किसी के साथ नहीं हुआ, तो छक्के माशाल्लाह सबको मारे हुए। अच्छा, कितने मैक्सिमम कितने मारे? ज़हीर को 5 मारे हुए हैं, ज़ाहिद को 5 मारे, उमरी को 4 हैं। अच्छा, ज़हीर को 5 छक्के मारे हुए, 2-5 मारे हुए। जो टेबल का बैट्समैन है उसको मुश्किल कौन सी बॉल लगती है टेबल में खेलने? मैं समझता हूँ कि वो अच्छा प्लेयर है तो कोई ऐसी बॉल नहीं होती जो मुश्किल हो खेलने के लिए, बस जिसका दिन होता है वो जब खेलता होता है तो बॉल ऑटोमेटिकली आकर उसके बल्ले के साथ खुद ही चिपक जाती है। अच्छा, जब दिन होता है तो बंदा कुछ नहीं पता चलता कि कब कैसे खेल रहा है, डिस्टर्ब करती है जैसे यॉर्कर, शॉर्ट पिच या स्लो रन, इनकी स्लो रन होती है। एक बॉलर के पास जो वैरायटी होती है वही ज़्यादा होती है बैट्समैन के लिए, जो बैट्समैन को थोड़ा मुश्किल में डालती है, अदरवाइज और कोई ऐसी बॉल नहीं है, क्योंकि सारे बॉल की प्रैक्टिस प्लेयर्स करते रहते हैं। आपने ऑल ओवर द ग्लोब काफ़ी क्रिकेट खेली, टेबल का पाकिस्तान का सबसे बड़े बड़े आपने टूर्नामेंट खेले, सबसे मुश्किल बॉलर कौन सा लगा? ज़हीर भाई, लेफ्टी को वैसे ही आउटस्टैंडिंग बॉल करते हैं, वैसे भी वो बहुत क्लेवर बॉलर है, बहुत क्लेवर, वो जल्दी शॉट नहीं खाते किसी। मान भाई, आपने काफ़ी मैचेस खेले, काफ़ी बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेला, आज तक सबसे ज़्यादा टफ बॉलर कौन सा लगा? देखें टफ बॉलर तो जैसे पहला ओवर इसलिए दिया माजिद भाई ने, वहाँ टफ बॉलर था, डेफ बॉल भी जा रहा था और विकेट ये है कि विकेट पर थोड़ा हौसला भी रहा, बॉल नीचे रह रहा था, लेकिन उसके बावजूद ही माशाल्लाह हमारा रन अच्छा हो गया था। अभी तक सबसे तेज बॉलर कौन सा खेला? हारिस को मैंने बहुत खेला, क्योंकि हारिस हमारा साथ का प्लेयर है, ठीक है, हारिस हमारा जूनियर है बहुत, उस बच्चे को बहुत खेला हमने। जायद बहुत तेज़ था, कर्नल जायद जो है वो हद से ज़्यादा तेज़ था, हारिस से भी तेज़ था वो, इसमें कोई शक नहीं है, बट जाहिर सी बात है कि वो वक्त के साथ साथ जो है वो हर बंदा जो है वो नया से नया आता रहा। आप हारिस रऊफ की बात कर? जी हारिस रऊफ की बात कर। हारिस रऊफ को खेला कभी? हारिस रऊफ के साथ चैलेंज वगैरह? हारिस चैलेंज वगैरह की तो बात नहीं, ऐसे में क्योंकि वो बच्चा खेलता ही हमारे साथ, हमारी टीम में ही खेलता है, हमने उसको जो है बूस्ट बहुत खिलाई है क्रिकेट, तो माशाल्लाह से जब उसके ट्रायल्स वगैरह थे तो उस वक्त भी जो है वो हम लोग साथ ही थे। अभी तक सबसे तेज बॉलर टेप बॉल में आपने किसको खेला? तेज बॉलर तो मैंने उस उमरी को खेला, उमरी काफ़ी तेज साल से, लेकिन वो 6-7 साल पहले खेला था। इसके अलावा मैं सीमान मिर्ज़ा को खेला हूँ, मरी को खेला हूँ,
काफी अच्छे बॉलर हैं जो टेप बॉल में आजकल इनका नाम है, इनके साथ मैं इनके अगेंस्ट खेल रहा हूं। टेप बॉल में ऐसा कौन सा फास्ट बॉलर है जिसने मुजम्मल कामोकी को मुश्किल में डाला है? वो जहीर भाई, जहीर कालिया जी, जहीर कालिया, जहीर कालिया उन जैसा बॉलर ना कोई आया और ना भी आएगा। सारे ये कहते हैं क्या खास बात है यार, वो अपने प्रोफेशन के साथ बहुत कमिटेड है, वो एक जेन्युइन बॉलर है, मतलब 40 प्लस है लेकिन अभी भी वो बहुत मेहनती है, मेहनत बहुत करते हैं, तो इसलिए वो अभी भी नंबर वन है।